हम सुनने बरेली वाले हैं, हम सुनने बरेली वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सामिन इकराम, जैसा मैंने इस रिकॉर्डिंग में कहा कि मैं हवाले लगाऊंगा, तो ये देखिए मैंने इससे जो हवाला तलब किया था, इसने मुझे 6 स्कैन पेज भेजे। एक स्कैन पेज इसने भेजा सीरत इब्न हिशाम का, शरा सीरत इब्न हिशाम का। तो ये 3 स्कैन के अंदर भी मुसलमान होना साबित नहीं है, पहली चीज़। अब इसने जो तीसरा स्कैन भेजा है, वो उसने जब भेजा उस किताब का नाम नहीं पता क्या है, ठीक है। और जो इसने जो मुझे भेजा, तो इसने ये राफजियों की वेबसाइट से निकाल के मुझको भेजा। अब राफजियों की वेबसाइट कौन इस्तेमाल करता है आप लोग बेहतर जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, ये बार बार जो हमारे मौजू को ईमान अबू तालिब की तरफ लेकर के जा रहा है, तो सामिन इकराम आप समझने की कोशिश करें कि ताजु शरिया ने जो ये कहा कि आज की तारीख में जो ईमान अबू तालिब को साबित करने की कोशिश करता है, या तो शिया है या राफजी है। अब उसकी वजह क्या उन्होंने फरमाई, अब उसकी वजाहत मैं पूरी कर देता हूँ। इसलिए कि जो राफजियों में उठता बैठता है, वो ईमान अबू तालिब पर ज़ोर मारता है। अब इसने ताहिरुल पादरी की जो रिकॉर्डिंग अपने चैनल पर डाली, और इसने बाद में उसको प्राइवेट कर दिया, तो पहली बात तो ये है कि ये किसी से मुरीद नहीं है, इसका कोई पीर नहीं है, और इसकी ज़ुबान से ख़ुद इसने इकरार किया कि ये किसी आलिम को मानता नहीं है आज की तारीख के। अब जो शख्स किसी आलिम को ना माने आज की तारीख में, कोई मुरीद इसका, पीर इसका मौजूद नहीं है जो इसको मुरीद कर दे, तो ऐसा शख्स बैठ करके अपने चैनल पर, और नाम रखता है रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो जब हमने इसको ताहिरुल कादरी की किताब उलमाए अहले सुन्नत का तहकीकी जायज़ा इसके बारे में बताया कि उसके अंदर इसने हदीसों का इनकार किया, और उलमा ने इसके ऊपर कुफ्र का फतवा दिया है, ठीक है, तो ये आनाकानी करने लगा। तो पता ये लगा, हमारा इससे यही मुतालबा है कि डॉक्टर ताहिरुल पादरी के सपोर्ट में ईमान अबू तालिब साबित कर रहा है, तो डॉक्टर ताहिरुल पादरी को जब तक ये अपने चैनल पर उसके ताल्लुक से वीडियो अपलोड नहीं करेगा कि हाँ वो डॉक्टर ताहिरुल पादरी काफिर है, तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज़ ये, सामिन इकराम, इसने 2 झूठ और बोले। एक झूठ तो इसने ये बोला कि हमारा जो इससे मुतालबा है ईमान अबू तालिब पर चल रहा है, ऐसा नहीं है। हमने इसको घेरा ही जब था, उससे पहले इसने कई वीडियो अपलोड की, हमने इसको कभी नहीं छेड़ा। हमने इसको घेरा जब इसने ताहिरुल पादरी की वीडियो अपलोड की, और हमारा वही मुतालबा है इससे। अब तीसरी चीज़, इसने एक झूठ ये बोला कि लोगों ने मुझे ये कहा है कि वो गुमराह है। अबे कौन से लोगों ने कहा तुझे, अबे जाहिल के बच्चे, ये बता दीन जो है वो लोगों से चलता है या उलमा इकराम से चलता है, शरीयत किससे चलती है? किसी आलिम से तूने पता किया कि उसके ऊपर कुफर का फतवा है या वो गुमराह है? तूने किसी आलिम से पूछा ही नहीं, और तू लोगों से पूछता फिर रहा है, तो तुझसे बड़ा जाहिल कौन? और जब तुझे ये इख्तियार नहीं, जब तू आलिम नहीं, जब तू मुफ्ती नहीं, और बैठ करके तू रद्द कर रहा है, क्या किसी उलमा इकराम से तूने राबता किया कि भाई ये अमीनुल कादरी साहब की ये तकरीर है, इसके ताल्लुक से रद्द करना है, कैसे रद्द करूँ? नहीं, तो अपनी ज़ात फिर राय तो दे रहा है, चल उससे हमें कोई लेना देना नहीं, तो बैठ करके जो मर्जी करता रहे, आज़ाद मुल्क है, ठीक है, आज़ाद सोशल मीडिया है, जिसको जो चाहे वो करे, हमारा तेरा इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना सिर्फ ये है कि जब तक तू ताहिरुल कादरी की, तेरे पादरी की वीडियो कुफ्र के ताल्लुक से अपलोड नहीं करेगा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेन मौकिफ हमारा यही है, ईमान अबू तालिब की तरफ तो तू लेकर के भाग रहा है, ठीक है, ज़बरदस्ती तू साबित करने की कोशिश कर रहा है, हमारा जो मेन मुतालबा वो यही है और यही रहेगा, ठीक है। तो आप सामिन इकराम, आप देखें कि किस तरीके से ये गाली गलौज करता है, और किस तरीके से ये लावारिस है, इसका कोई हामी नहीं है अभी की तारीख में। और जिसका कोई पेशवा है, अगर कोई इसके चैनल पे सब्सक्राइबर जिसका कोई मुरीद पीर है, और वो किसी से मुरीद है, तो मुरीद को ये बिल्कुल कतई ये इजाज़त नहीं है कि वो जाहिलों की बात पर अमल करे और जाहिलों की तकरीर को सुने।
तो तुम जाहिलों की तकरीर को सुन रहे हो, उसके चैनल पे जा रहे हो, उसके चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और अपने पीर से रابطہ नहीं कर रहे हो, अपने पीर से बात नहीं कर रहे हो उसके ताल्लुक से, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसके चैनल को फौरन अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तो लावारिस ही है, आपको भी लावारिस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये अमीनुल कादरी साहब का रद्द कर रहा है, दिगर उलमा का रद्द कर रहा है, जिसका चाहे उसका करे, उससे हमें लेना देना नहीं, ठीक है ना। लेकिन ताहिरुल पादरी का रद्द अभी तक इसने नहीं किया, आज 15 दिन हो गए इस बात को, अभी तक इसने रद्द नहीं किया। और रावजियों की वेबसाइट से ये वीडियो क्या कहते हैं किताबें लेता है, रावजियों की वेबसाइट से किताबें अपडेट कर रहा है, तो आप लोग समझ जाएं कि इस शख्स का क्या करना है। तो हमारा इससे मुतालबा है और यही रहेगा, बाकी आप हज़रत समझदार हैं, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम। इमरान कादरी बात कर रहा हूँ जी, बताइए। एक वीडियो देखा था अजीम भाई आपका कल जी, कल एक वीडियो देखा था मैंने आपका। अच्छा, हाँ जानते तो हूँ, या आप मुझे जानते तो हो ही, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा तो है, अभी मैंने आपकी जो बात कराई थी जमशेद भाई से, पहचान लिया जी? जी क्या पहचान भी नहीं रहे आप? नहीं, बहुत लोग फोन करते रहते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था, वीडियो देखी मैंने आपकी, वो जो आपने मेरे ख्याल से 30 सेकंड की भी नहीं है वो रिकॉर्डिंग जमशेद भाई की जो डाली है आपने हाशमिया के बयान पे जो लगाई है, वो तो 31 मिनट की वीडियो है, उसमें से काट दी, कम से कम एक मिनट की तो लगाते। ये तो खयानत है भाई तुम्हारी अजीम भाई, ये तो तरीका सही नहीं है। नहीं नहीं, तो वहाँ पे क्या मैं वो एडिटिंग करके उनको दूसरा कुछ बुलवा दिया है क्या? वो बात छोटी कम करने के लिए बात एडिटिंग होती है कि यार बात कम हो जाए, जल्दी से आदमी इसको समझ ले, फिर जो मुद्दा है अहम मुद्दा उस पर आए। अच्छा, नहीं तो मैं ये कह रहा था कि जो आपने डाली है वो नहीं खयानत नहीं है, बड़ी है वो, जाके तो बड़ी है जाके देख। हाँ यार, वही चीज यार, कोई आदमी अगर कोई बात कर रहा है तो उसका अहम जो वो बात कर रहा है, पॉइंट जो है उसको निकालता है कि यार पॉइंट, लोगों को पॉइंट करवा के अपनी बात को शुरू करे। उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, आपने वो नहीं डाले, उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। मैं चाहता आपको रिकॉर्डिंग दोबारा भेजूं, क्या आपके पास है? उसमें और भी बातें कही हैं आपने, वो काट काट पे मौजूद है। अब फिर आप कहते हैं क्या, जो मसला की आदत यही तालीम है, क्या यही है तालीम आदत की जो आपने किया है? हाँ, तो मैंने क्या किया है? आपने खयानत की है। बड़े बहुत बड़े यार, तुम लोग चूतिया आदमी हो या खयानत है? मैं वहाँ पे क्या एडिटिंग करके उसका दूसरा कुछ बुलवा दिया, चूतिया आदमी गाली होता है भाई? तुम लोग उल्टा सीधा बात करके फोन करते हो, या खयानत? तुम जो नंबर वहाँ पे डाल दिए मेरा, वो खयानत तुम्हारा नहीं है? अब बदतमीजी कर सकते हैं ना आप, कर क्या सकते? बदतमीजी है ये बदतमीजी मैं कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ। अब तुम लोग वहाँ पे हमारा नंबर डाल दिए और उसको हटा भी नहीं रहे और गाली भी दे रहे हो, राफदी भी कह रहे हो और झूठ भी बोल रहे हो, मेरी उम्र 40 साल से पार है, ये खयानत नहीं है? मैंने तुम्हारा जो वीडियो कटिंग करके उसमें डाल दिया, ये खयानत हो गया तुम्हारे लिए? चलो रखो यार, तुम लोगों से बात ही करना सही नहीं है। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैंने लगाया आपने कल भी नहीं उठाया, प्रोग्राम में था कल। अच्छा, आप बात करेंगे जमशेद भाई से, कब करेंगे? यार जमशेद भाई से बात करनी है। आपने वीडियो डाला है ना? हाँ, तो उसको सिर्फ इतना कहो, उसने जितना शर्त लगाना हो लगाए मुझे, उसको सिर्फ इतना कहो कि जो इमाम अबू तालिब के कायल है तुम उन पर क्या हुक्म लगाओगे, बस। जो कायल नहीं है उनका क्या, उन पे क्या हुक्म लगेगा भाई? वो भी मुसलमान है, मैं कह रहा हूँ ना, वो मुसलमान है, वो भी सच्चे मुसलमान है, वो भी आपका कॉल उज्जत हो गया भाई। ये इमरान भाई, मैंने इनसे कहा था, मैंने इनको चैलेंज किया था मोस्टबर हवाले पेश करने के लिए, तकरीर पेश करने के लिए नहीं कहा था। पहली चीज, दूसरी चीज ये है, तो ईमान की बात ये कर रहे हैं, सुनिए सुनिए बोल लीजिए, पूरी बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, बता रहा हूँ ज्यादा बात नहीं। इमरान भाई, 2 मिनट की टाइम रखे और ईमान अबू तालिब पर अभी बात होगी, फोन जा रही है, कोई नहीं जाएगा। ठीक है ठीक है, मैं कह रहा हूँ शुरू कर रही है, दूसरे को कैसा गाली गलौज कर रहा है? सुन लो, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, अभी तुमने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? बोलना तो जमशेद भाई, तुमने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? करोगे ना, मैं रूल बता रहा हूँ।
ठीक, मैं तुम्हारे हर शर्त कबूल करने के लिए तैयार हूँ, जो कहोगे मैं वो मतलब दिखाने के लिए तैयार हूँ। सुनो पहले, अब बात ये है कि मैं मानता हूँ जो ईमान अबू तालिब के कायल नहीं है वो भी सुन्नी है, बरेलवी है, जन्नती है, और जो ईमान अबू तालिब के कायल, सुनिए, जो ईमान अबू तालिब के कायल नहीं है वो भी सुन्नी बरेलवी और जन्नती है, और जो कायल है वो भी सुन्नी बरेलवी जन्नती है। तो तुम ये बताओ मुझे सिर्फ इतना, जो ईमान अबू तालिब के कायल है उन पर क्या हुक्म लगाओगे? बस ये इतनी बात। चले ठीक है, क्या कहते हैं इमरान भाई, सबसे पहले मैं इनसे मुतालबा करता हूँ ईमान की तारीफ कर रहे हैं। सुन लो मैं बता रहा हूँ। अरे अभी मेरा बोलना शुरू करवा, अभी आपकी मैंने सुनी ना, पहले मेरा सुने आप। अरे मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, तुम दलील पे क्यों जा रहे हो यार? मुझे बोलने दो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, क्या हुक्म लगाओगे? बस खत्म बात, रूल है ये, मुझे जवाब तो देने दीजिए। क्या हुक्म लगाओगे भाई? जवाब देने दीजिए, बोलने तो जवाब दे भाई। पहली चीज तो ये है कि आपने जो फतावा रिजविया की 29वीं जिल्द की जो इबारत पेश की है वो अधूरी पेश की है। अधूरी फतावा पूरी पेश कर दो, खामोश रहो, सीधे उसी से बोल रही है। बोलो मत, बोलो मत। ईमाने ईमाने अबू तालिब से मुराद ये है कि उसकी तकदीर नहीं की जाएगी। जो ईमाने अबू तालिब से मुराद ये है कि वो हुजूर को मानते थे, हुजूर का कहना भी मानते थे, हुजूर के ताल्लुक से चलते भी थे और हर काम करते थे। एक मिनट रखो, फिर भी जो बोले सुनता लो, जो उनकी बड़ाई करे, जो उनकी बड़ाई करे, बड़ाई से मुराद जो उनकी अच्छाई बयान करे उसकी तकफीर नहीं की जाएगी। ईमान से मुराद ये है, अगर कोई उनको मुसलमान कहेगा कि हाँ उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये इबारत तुमको दिखानी है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, ये इबारत दिखानी है। ईमान से दो मुरादें होती हैं, आपको इसका इल्म नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, किसी का ईमान है अल्लाह एक है, अगर वो ये कहे तुमसे गैर मुस्लिम कि अल्लाह एक है तो ये उसका ईमान है, इस पर उसकी तकफीर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो ये कहे कि अल्लाह दो है तो उसकी तकफीर होगी। तो यहाँ से ईमान की मुराद दो होती है, आपको यही नहीं मालूम, इसीलिए मैंने कहा था कि उस इबारत पर मुफ्तियों की सनद चाहिए जो आपने पेश नहीं की। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है, आपको ये दिखाना है ईमान अबू तालिब से मुराद उन्होंने मुसलमान कहा हो कि हाँ वो मुसलमान थे, उन्होंने ईमान इस्लाम कबूल किया था। ईमान से मुराद मैंने आपकी वजाहत कर दी। चौथी चीज ये, जो आपने हाशमी मियाँ की तकरीर लगाई है, हाशमी मियाँ ने जो किताब लिखी है अबू तालिब के ऊपर, उसमें अगर आपने ये दिखा दिया कि हाशमी मियाँ ने उनको मुसलमान कहा था या उनको मुसलमान माना है, तो मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो तुम झूठे हो एक नंबर के। चलो बोलो, हाशमी मियाँ की जो तुमने तकरीर लगाई है, चलो बोलो, हाशमी हाशमी मियाँ की जो तुमने तकरीर लगाई है, तो हाशमी मियाँ ने ईमान से मुराद मुसलमान नहीं लिया है। बात इमरान भाई चैलेंज किया था कि इबारत को दिखाना है जिसमें उनको ये दिखाऊं कि उन्हें मुसलमान माना है। क्या माना है? मुसलमान, इस्लाम कबूल किया है, उन्होंने ये दिखाना है इनको। अंतिया का रूल समझ लो, अंतिया का ये रूल है कि किसी के कुफर पर 100 दलीलें मौजूद हो और एक दलील अगर कमजोर से भी हो। अरे भाई, यहाँ पे कुफर की बात हो रही है, दलील की बात नहीं हो रही है। ये टीका अंतिया का नहीं, टीका अंतिम में चार इमाम का मैं फतवा दे दूंगा कि उन्होंने ईमान अबू तालिब यानी मुसलमान पे चढ़ा किया, मुसलमान माना ही नहीं है। मैं चारों का दिखा दूंगा तारीख, चारों। अच्छा, मैंने सीखा कि चारों इमाम को ये दिखा दिया कि उन्होंने ईमान अबू तालिब का इस्लाम कबूल करना मना लिखा है। यार एक बंदा बोलो, एक बंदा सुन लो, दोनों एक साथ बोले जा रहा है, मेरा बात नहीं सुन रहा है। अभी चले बोले, मैं हवाला दे रहा हूँ ना, ये सुन लो, तारीख में हिशाम जिल्द 2 सफा नंबर 334 और 335 पर ये रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह की किताब है, बताओ तो किताब का नाम तो बताओ, मुसन्निफ का नाम ही नहीं बताते हो। तारीख इब्ने हिशाम जिल्द 2 सफा नंबर किसने लिखी है? 334 और 335। अरे लिखने वाले को सुन लो, अभी मुसन्निफ का नाम तो बताओ। अरे इमाम इब्ने हिशाम को नहीं जानते? अरे तो किसने लिखी है? ये मौर्रिक है, बहुत पहले। अच्छा, तो इन्होंने मुसलमान लिखा है? हाँ, तो रिवायत में पढ़ के बता रहा हूँ ना। आप आगे बताओ। बहुत लंबा यानी रिवायत है, मैं इसका मफहूम बता रहा हूँ कि जब हजरत अबू तालिब बीमार हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गए तीमारदारी के लिए, तो आपने कहा कि था कलमा पढ़ लीजिए, तो उन्होंने यही कहा कि मतलब मुझे यानी अंदेशा है कि यानी जो लोग हैं
वो हमें कहेंगे कि यानी मौत के कलमा पढ़ लिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। तो हजरत ये इसको रिवायत कर रहे हैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लोग कह रहे हैं, हजरत अब्बास ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ भतीजे खुश हो जाओ, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे भाई के लब हिल रहे थे, तो मैंने कान को करीब किया तो मैंने देखा कि मेरे भाई थे, उन्होंने आपका कलमा पढ़ रहे थे, उनके लब हिल रहे थे, मैं कान इमरान भाई से हवाला मांग रहे हैं, इन्हें बोलने दो, एक मिनट इन्हें बोलने दो, मैं बोल रहा हूँ, इससे पहले हवाला तलब करो। अरे तो हवाला दे रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, फिर तो सुन लो, स्कैन पेज भेजो, स्कैन पेज भेजो, दो सफा नंबर 334, स्कैन पेज भेजो, स्कैन पेज भेजो, स्कैन पेज भेजो। अरे यार स्कैन पेज का तुम्हारे पास किताब नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आपको लगाना चाहिए ना, बना देना, एक एक मिनट हवाला, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सुन लो, और एक और, चलिए इसके अंदर आपने ये साबित नहीं किया कि उनको मुसलमान कहा गया है, सुन लो, इन्होंने कलमा पढ़ा है हजरत अब्बास, नहीं पढ़ा है, आप सुनिए, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ तफसीर इब्ने अब्बास, कुरान की तफसीर इब्ने अब्बास पेश कर रहा हूँ, कुरान की आयत में तफसीर इब्ने अब्बास, आपने तफसीर इब्ने अब्बास का हवाला दिया है ना, मैं तफसीर इब्ने अब्बास पेश कर रहा हूँ, तफसीर इब्ने अब्बास में हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अबू तालिब का आखिरी वक्त अबू जहल वहीं बैठा था, और आपने कहा कि चाचा मेरे कान में कलमा पढ़ दो, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा, और उसके बाद आप वापस तशरीफ लेकर के आए, तो हजरत अली करमुल्ला तो रसूल करीम तशरीफ लाए और कहा कि ऐ मेरे नबी, The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड कर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड कर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। ना ना है वो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ लिखा है कि रसूलुल्लाह हाँ बोलो, अब सुनिए, आपने शायद तफसीर इब्ने अब्बास नहीं पढ़ी, तफसीर इब्ने अब्बास ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला उन्होंने हवाला किया है, हवाला दे रहा हूँ, एक मिनट दे रहा हूँ, एक मिनट लाइन बनाना दे रहा हूँ, एक मिनट को, एक मिनट लाइन बनाना और सुनना एक दूसरे की, ठीक है, बोलना पाँच दो मिनट तुम सुनना, दो मिनट वो सुनेंगे। दो मिनट बस, हवाले की तो झड़ी लगा दूंगा मैं, देखो इमरान भाई हवाला भेज दिया, हाजी भाई सुन लो, एक तफसीर इब्ने अब्बास है, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने कुरान की आयत में तफसीर लाते हैं, ये आयत हजरत अबू तालिब के ताल्लुक से नाजिल हुई, और जब अबू तालिब का आखिरी वक्त था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और वहाँ पे अबू जहल बैठा था और कहा है मेरे चचा आप कान में कलमा पढ़ दीजिए, तो अबू तालिब ने मना फरमा दिया, तो अल्लाह के रसूल वापस आए और वापस आने के बाद हजरत अली करमुल्ला तो रसूल करीम तशरीफ लाए और कहा कि है मेरे नबी आपका काफिर चचा जहन्नम में गया, उसके बाद हजरत इब्ने अब्बास ने इसकी पूरी तफसीर बयान की है, आप गलत इबारत पेश करें, आपने हवाला पेश नहीं किया अभी तक, मैंने हवाला पेश कर दिया, इमरान भाई पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, आप सुनिए, मैंने आपसे चैलेंज किया था, एक मिनट खामोश रहिए, पहले अब मैंने आपको ये बताया कि मैं सिक्का के चारों इमाम से, पहले बात तो पूरी हो जाएगी तभी तो सुनेंगे, पहले बात तो पूरी हो जाएगी, पूरी बात सुनिए इनकी, इमरान भाई मैंने इनको चैलेंज किया, अगर मैंने सिक्का के चारों इमाम से अबू तालिब का काफिर होना साबित कर दिया तो ये तौबा करेंगे, बताओ मुझे, मैं इस पर बहस करने से, अभी तुमने सिक्का की बात की थी शुरू में, तुम अपनी बात रहता हूँ, मैं तुमसे कर सकता हूँ जो उनके, तुमने एक भी रिवायत पेश नहीं की अपनी तकरीर के अंदर, दुनिया भर की बातें करी है, दुनिया की तकरीरें लगाई है, एक भी मोहतबर हवाला पेश नहीं किया, एक भी मोहतबर हवाला आपने पेश नहीं किया, हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ ऐसे दर्जनों हदीसें मिल जाएंगी जो ईमान पर दलालत करती है, मैं मानता हूँ ईमान से दो मुरादें की बात, जमशेद भाई एक मिनट, जमशेद भाई इनके सुन लो, बोलो पहले सुन लीजिए ना,
मैं मानता हूँ दर्जनों हदीसें मिल सकती हैं जो ईमान पे दलालत नहीं करती उनके कुफ्र पर दलालत करती हैं, मानता हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो नहीं मानते ईमान उनका वो भी मुसलमान। अरे तो आप आप मुसलमान कह रहे हैं, आपने वीडियो में मुसलमान कहा है। अजीम भाई, अजीम भाई, अजीम भाई, उस पर क्या हुक्म आएगा ये तुम बताओ। अजीम अंसारी साहब, मैंने आपको क्या बोला सुनो, अजीम अंसारी साहब सुनिए, आप भी मैं बता रहा हूँ अजीम भाई सुनो, मैं बता रहा हूँ अगर आपने किसी किताब में ये दिखा दिया कि उन्होंने उनको मुसलमान कहा है, इमरान भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर उन्होंने ये कहा है कि अबू तालिब मुसलमान थे, मुसलमान गए, इस्लाम कबूल करके गए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है अबू तालिब अगर आपने किसी इबारत में मुझे ये दिखा दिया कि किसी इबारत में मोस्तबर शख्सियत ने ये लिखा है कि अबू तालिब दुनिया से इस्लाम कबूल करके एक दुनिया से गए और मुसलमान बनके एक दुनिया से रुखसत हुए, दिखाई तो नहीं। एक मिनट सुनो, अब रहा ईमान से, तो ईमान का ताल्लुक ये है यार, वो बंदा हदीस, एक मिनट जमशेद भाई एक मिनट यार, अजीम भाई वो बंदा हदीस पेश कर रहा है, आप तारीखी किताब पेश कर रहे हो, हदीस पेश कर रहा है बंदा यार, मुस्लिम बुखारी पेश कर रहा है, अरे कुरान की आयत, हदीस का बता रहे आपको, मैंने एक मिनट में बता रहा हूँ इमरान भाई की तारीखी किताबों में हदीसें मौजूद नहीं है क्या? मौजूद है, वो तो आप दे ही नहीं रहे, जो ईमान के काइल है उन पर क्या हुक्म आएगा? अरे भाई मैं फिर उनसे मुकालमा कर रहा हूँ, आपने बोल दिया ईमान पीछे ना, तो मैं जानता हूँ तुमसे ज्यादा, मैं हदीसें दे सकता हूँ तुमको कि उनकी ईमान की समझ के साथ हदीस पढ़ के सुना दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा कि तुम पढ़े लिखे इंसान हो। ऐसे एक हदीस तुम नहीं पढ़ सकते मतन के साथ। अजीम भाई आपने बड़ी बड़ी यार, अजीम भाई अब तुमने बोल दिया, मेरी बात सुनो इमरान भाई लामा हूँ और ये हूँ और वो हूँ, मैं इतना अच्छा, एक मैं साइड में करा, खड़ी कर, तुम यहाँ तो वहाँ क्यों ले जा रहे हो, बात घुमा क्यों रहे हो? मैं सिर्फ और तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे बार बार एक ही चीज का मुतालबा करता हूँ, मेरी बात को सुने इमरान भाई, सुन ही नहीं रहे यार अजीम भाई यार, बताओगे कि नहीं? अजीम नहीं सुनेंगे यार, ये दूसरे को इल्जाम डालते हैं कि मेरे से बात, अजीम भाई सुन लो, अजीम भाई सुन लो यार, बदतमीजी कर रहा है कि जो ईमान के बुट, पूरी मुकम्मल सुनी मेरी बात, में सुनने को राजी नहीं है। अरे यार मैं सुन तो रहा हूँ तुम्हारी बात, मैं इसीलिए सुनो, पूरी बात जवाब लेना सीखा कि नहीं सीखा, जवाब दे रहा हूँ ना, अरे पूरी बात तो सुनो अजीम भाई, पूरी बात तो सुनो अजीम भाई, अजीम भाई यार पूरी बात सुन के फिर बोलना, पूरी बात सुन लो फिर बोलना। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, आपने कहा कि जिसने ईमान अबू तालिब माना उस पर क्या हुक्म आएगा? ईमान अबू तालिब से मुराद हो ईमान है कि उन्होंने हुजूर के साथ भलाई की, पहली चीज, उन्होंने हुजूर की हर कदम पे मदद की, दूसरी चीज, सुन लो अजीम भाई, किसे बोलना है? आप वीडियो डाल रहे हैं झूठा फूटा, सुन तो लो बात, बंदे की बात तो सुन लो यार, पूरी बात सुनो। ईमान से मुराद ये है कि उन्होंने हुजूर के साथ भलाई की, हुजूर की हर कदम पे मदद की, ठीक है, हुजूर के साथ, हुजूर की कभी नाफरमानी नहीं करी, ये ईमान से मुराद है। जैसे मिसाल के तौर पे यार गैर मुस्लिम है, ठीक है इमरान भाई, अगर गैर मुस्लिम ये कहेगा कि भाई अल्लाह एक है, तो ये ईमान से मुराद है कि हाँ इस पर इसका ईमान है कि अल्लाह एक है। लेकिन अगर वो ये कहेगा कि नहीं अल्लाह वो है जिसको तुम मानते हो, वो नहीं, अल्लाह वो है जिसको बुत मानते हो, तो हम उसको काफिर कहेंगे। लेकिन ईमान से मुराद वो एक मानता है, इस पे हमारी कोई शर्म उसके ऊपर नहीं लगेगी, यही चीज अल्लाह ने फरमाई। भाई सुनिए ना बात, बीच बीच में बोल जा रहा हूं, ईमान से मुराद ये है कि अगर उन्होंने किसी ने ये कहा कि उन्होंने हुजूर के साथ भलाई की, ये ईमान है, अगर उन्होंने हुजूर के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ये ईमान है, इस पर हमारा इत्तेफाक है। अगर कोई इस पर कहे तो उसके ऊपर चढ़ा नहीं लगेगी, इस इबारत वाला हजरत की उन्होंने गलत तरीके से पेश किया, ठीक है। दूसरी चीज ये मोमिन
मोमिन की भी दो तरीके होते हैं, आप सुने मेरी बात, मोमिन की भी दो तरीके होते हैं। बात पूरी हो जाए, एक मिनट रुको, बताइए, रुको रुको भाई, रुको ना, रुको भाई, पूरी बात होने दो ना, अरे पूरी बात होने दो ना, अरे पूरी बात होने दो, बीच बीच में मत बोलो, बात तो मुकम्मल होने दोगे तभी तो समझेगा। अब ये बुखारी की हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि दो शख्स अगर कोई एक दूसरे को काफिर कहता है और सामने वाला काफिर नहीं होगा तो कुफर लौटेगा और वो सामने वाला काफिर हो जाएगा। तो अगर इमाम अबू तालिब को तुम मानते हो, उनको मुसलमान मान रहे हो, तो जिन्होंने काफिर लिखा है तो वो इस्लाम से गैर नहीं गए बुखारी हदीस की ओर। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, आप सुन लो, कैसे नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, ये बुखारी की हदीस का क्या करोगे, ये बुखारी की हदीस का क्या करोगे, सुन लो आप, अरे बुखारी की हदीस का क्या करोगे, नबी मानते हैं कुछ वली मानते हैं, अब अगर जो बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, अगर गैरे नबी को नबी मान लेंगे ये कुफ्र हो जाएगा, और अगर भाई को उसको इजमा देखा जाएगा, इजमा नबी न माने तो ये भी कुफ्र है। इजमा अलैहि सलाम को नबी भी कहा गया, वली भी कहा गया, लेकिन जमूर इजमा नबी पे हुआ है, मुसलमान होना, आपने तो एक हवाला पेश नहीं किया, तकरीर लगा दी दुनिया भर की इधर उधर की, एक हवाला पेश किया आपने, किताब पेश की, कौन सी किताब पेश की आपने, मैं वहाँ पर दलालत करने नहीं बैठा हूँ, अरे तो आपके पास है नहीं तो लगा रहे कौन से, आवाम को गुमराह कर रहे हो, आवाम को बेवकूफ बना रहे हो, आवाम को झूठ मानते हैं, तसल्ली दे रहे हो, सही है, बाकी जितने मौजूद है वो गलत है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने मौजूदा किताब में किसी का ये दिखा दिया कि इमाम अबू तालिब से मुराद उनका मुसलमान होना, लिखा कि हम मुसलमान थे, इस्लाम कबूल किया था, इस्लाम कबूल किया था, सुना बात, उन्हें क्या बात सुन, हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ मानते हैं, अरे मोमिन से मुराद क्या है, मुसलमान माना है, हाँ मुसलमान जो मानते हैं उन पर क्या हुक्म है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, उस इबारत को हमारे मोतबर आलिम के सामने रखा जाएगा, सुनिए बात को, उस इबारत को हमारे आलिम, अरे तो आपने पेश कर दिया तो मैं रखूं, एक मिनट मैं वो नहीं कह रहा हूं, आपको तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप पेश करो, आपने पेश ही नहीं किया, आपने पेश किया हवाला, अगर हवाला पेश करोगे तब ना मैं मोतबर आलिम के सामने रखूंगा, आपने पेश ही नहीं किया, उन पर क्या हुक्म है, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप हवाला तो पेश करो, अरे यार फिर वही बात, मैं हवाला भी ना पेश करूं, तो कहूं यार इमरान भाई करवाना चाहता हूं कि मैं हवाला भी ना पेश करूं और कहूं कि मैं मुसलमान मान, देखो जाहिल के सामने तुम 100 दलील पेश करोगे ना तो जाहिल अड़ा रहेगा एक दलील को लेके, अगर उसके पास एक दलील सही हो, ये अल्लामा अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अगर तुम जाहिल को 100 दलीलें दोगे ना और जाहिल के पास एक दलील होगी तो वो 99 का रद्द करेगा। एक मिनट, मैंने फिका हंसिया कर तुम्हें बताया, तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं किसी तुमको करता तुम एक मिनट मेरी सुनो, उसको मैं अपने बारगाह की बारगाह में रखूंगा, उसको जो वो फतवा देंगे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। अरे फिका हंसिया की बात कर रहे हो तुम, इमाम आजम ने भी तो यही कहा, इतने बड़े जाहिल भ्रामक को तुमको ये नहीं मालूम इजमा क्या होता है, तुमको ये नहीं मालूम शरीयत के उसूल क्या होते हैं, तुमको ये नहीं मालूम कि हदीस को किस तरीके से लेना चाहिए, जब बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है उनके कुछ रिकॉर्ड तो तुम सारी किताबें पेश कर रहे हो, मुसलमान उन पर क्या हुक्म लगेगा तुम बता ही नहीं रहे, वही तो कह रहा हूँ, हवाला पेश करो ना मुझको। अरे यार जो फिका हंसिया के इमाम है इमाम आजम अलैहि रहमा, उन्होंने भी तो चारों इमाम है, उन्होंने भी तो उनका कुफर किया है, इमाम ने इस्लाम से इंकार किया है, वो भी जब फिका के चारों इमाम ने इस्लाम से खारिज किया है, तो फिर तुम तारीख की किताब ऐसे किस ऐसे से पेश कर रहे हो भाई, अरे फिर वही बात, इमरान की बात क्या होती है, अभी तुमने शुरू में कहा था कि फिका हंसिया के चारों ने वहां से तुम खामोश हो गए, जबकि तुम्हें पता था इसकी पकड़ हो जाएगी इस बात पर, मैंने पकड़ कर ली तुम्हारी, अम्बाली ने भी कहा, मालिक ने भी कहा, ईमान का टाइम, अरे ये मैंने नहीं कहा, मेरे ताजु शरीयत ने कहा है भाई, अरे मैं ठीक है ताजु शरीयत, तुम ठीक है ताजु शरीयत के पक्ष लोग ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमने अपने बयान में सुनो, तुमने अपने बयान में क्या कहा है, ताहिरुल कादरी साहब क्या हुक्म लगाया, ताहिरुल कादरी साहब उस मजनून को मरदूत को तुम साहब कह रहे हो, ढंग होता है सऊर होता है कि नहीं, मैं उसको गाली दूं साहब ना कहूँ तो गाली, सऊर तुम्हारे चैलेंज कर रहा हूँ, मैं उसको नाम लूट चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हें कयामत तक का वक्त दे रहा हूँ, मुझे एक मौका पर हवाला पेश कर दो जिसमें इमाम अबू तालिब को मुसलमान लिखा है, खुदा की कसम वो इबारत मैं अपने मुफ्तियों की बारगाह में रखूंगा, जो उस पर वो फतवा देंगे उसको एक्सेप्ट तुम्हें करना पड़ेगा। जमशेद भाई बात कर,
ये क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी बात का जवाब दूं तो हवालों का पहले पेश करो मेरे सामने। अरे हवालों का पेश करो, आप भी कह रहे हो लेकिन जो और मुसलमान मान रहे हैं उनका तुम्हारा हिम्मत। मैं क्या कह रहा हूँ, शिया राजियों ने ही मुसलमान माना है। जब तुम्हें बात की मैं किताबें दर्जन एक किताब पेश कर सकता हूँ और उन्होंने बुजुर्गों के ताल्लुक से अपनी किताबों में मन भड़क इबारतें लिखी है, ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से भी लिखा है। अल्लामा हाशमी मियां राजी है, तुम्हारी बात रिकॉर्डिंग हो रही है। अल्लामा हाशमी मियां से अगर तुमने ये साबित कर दिया तुमने झूठ वहाँ पेश की आदि अल्लामा हाशमी मियां के पीएस मेरी बात हुई है। सुनो मैंने पूरी की थी मेरी बात। सुनो अल्लामा हाशमी मियां से जो तुमने पेश किया है ना, अल्लामा हाशमी मियां की जो किताब लिखी हुई है अबू तालिब के ताल्लुक से, उसमें तुमने एक जगह मुझे नहीं दिखा सकते कि अल्लामा हाशमी मियां ने उनको मुसलमान और ईमान पे खात्मा लिखा है। एक जगह पे भी नहीं लिखा, पूरी किताब पढ़ी है मैंने। अरे बोलता हूँ हाशमी मियां की जो तुमने तकरीर पेश की है काट के पेश की है, पूरी तकरीर सुनो जाके। आज मैं अपलोड करूंगा, अभी थोड़ी देर पहले अपलोड करना। सुनो अपलोड करना तो वहाँ पे ईमान बोला है उन्होंने, मुसलमान नहीं माना। फिर तुमको कह रहा हूँ ईमान माना, ईमान से मुराद क्या उसकी वजाहत कर दी मैंने। मुसलमान नहीं लिखा है, ईमान लिखा है। ईमान, ईमान से मुराद दो है। मुसलमान मान रहे हैं वो मुसलमान। अरे भाई मुसलमान तुम साबित कर दो ना मुझे, इबादत साबित करना क्यों नहीं होती, इबादत क्यों नहीं पेश करते हो। मुसलमान कहे वो भी जन्नत में जाएगा, सुन लो जाके उसमें, जो मुसलमान माने वो भी जन्नत में जाएगा। तुम कह रहे हो वो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे लिए हाशमी मियां बने या इमाम अबू हनीफा? एक मिनट यार, अब तुम इस पर क्यों आ गए? इस पर क्यों नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? एक मिनट, हाशमी मियां तुम्हारे बड़े हैं, सुनो, इमाम आजम बड़े हैं, इमाम शाफई बड़े हैं, इमाम मालिक बड़े, इमाम अम्मल बड़े हैं, कौन बड़े तुम्हारे लिए? उन्होंने ये कहा कि इमरान भाई ये जहालत है इसकी, वो ये है, ये इसकी जहालत है, ये इस बंदे की जहालत है, बहुत बड़ी जहालत है। ये बताओ जो ईमान, मैं बता रहा हूँ तुमको, सुनो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुमको। अरे मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनो, हाशमी मियां मदारी के स्टेट में भी जा रहे हैं, हाशमी मियां रावजियों के स्टेट में भी जा रहे हैं। हाशमी मियां ने अभी अजमेर शरीफ में जो तकरीर की थी वो सुनी थी तुमने? अब तो अवराती मतलब हो रहे हैं, नहीं वो पैसे के लिए कहीं भी जा रहे हैं, उनसे हमें क्या लेना देना। हमारे पास फिका के चारों इमामों का कॉल मौजूद है, गौसे पाक का कॉल मौजूद है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन का कॉल मौजूद है, ख्वाजा निजामुद्दीन का कॉल मौजूद है, ख्वाजा नसरुद्दीन का कॉल मौजूद है। तुम कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो इधर उधर? एक मिनट में कह बताओ, हाशमी मियां तुम्हारे लिए बहुत बड़े हो गए। और एक जिम्मेदार आ गया था इमरान भाई, इमाम आदम से बड़ा थोड़ी कोई जिम्मेदार है, इमाम आदम से बड़े जिम्मेदार है क्या? इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल को छोड़ के तुम्हारे हाशमी मियां मोहतबर है, तो हाशमी मियां से मुरीद क्यों नहीं हुए यार तुम? इमाम हम्बल ने ये कहा, मियां से मुरीद क्यों नहीं हुए तुम? ये हुक्म है, मैं हाशमी मियां से तुम मुरीद? इमाम बुखारी से भी ज्यादा मोहतबर है तुम्हारे लिए हाशमी मियां, हाशमी मियां की बात लेकर बैठ गए तुम। निगराम ये इसकी जहालत है, ईमान से मुराद उन्होंने मुसलमान नहीं कहा, ना मुसलमान लिखा है, ना उनकी किताब में मौजूद है। देखिए हाशमी मियां अभी अजमेर शरीफ गए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिससे उनकी पकड़ हुई थी। पकड़ क्या हुई थी? उन्होंने ये कहा था कि आला हजरत ने गुटबाजे से कव्वाली सुनने के लिए आराम कहा है, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जिंदगी में नहीं सुना, तो और सुन रहे हैं क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज अभी भी जिंदा है। जिंदा थे तब नहीं सुनी, हम सुन रहे क्योंकि अभी भी वो जिंदा है, इतनी फटाफट हो रही है, तो इसका मतलब वो तो जिंदा है अभी भी। अल्लामा आज पर ईमान लाओगे तुम? ठीक है, तुम हुक्म मेरे मुफ्ती लगाएंगे, मेरे हकीम लगाएंगे, मैं थोड़ी लगाऊंगा। हाशमी मियां पर क्या हुक्म लगेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, मुफ्ती मेरे आलिम लगाएंगे हुक्म। तुम्हें इबारत पेश करनी है, तुम इबारत पेश करो। हाशमी मियां को क्या हुक्म लगेगा, तो फिर इमाम आदम पे क्या हुक्म लगेगा? अरे हाशमी मियां पे क्या हुक्म लगेगा, वो तो मेरे मुफ्ती और मेरे आलिम बताएंगे। लेकिन पहले इबारत तो पेश करो, मुसलमान किसने लिखा है वो इबारत तो पेश करो ना भाई, तुम भाग क्यों रहे हो? अभी तक तुम्हारे आलिम किसी ने नहीं बताया है? नहीं, मेरे आलिम ने तो फतवा पहले ही दे दिया कि जो आज की तारीख में ईमान अबू तालिब साबित करे वो राजी या तो शिया, मेरे ताजी शरिया ने फतवा दे दिया। यही चीज तुम्हारी जहालत कहां मर गई है, इतने बड़े जाहिल हो तुम? कह रहा हूँ सैयद अमीनुल कादरी का रद्द करने के लिए बातवा ताजुशरिया पेश करते हो तुम? गुमराह करने के लिए
और इस इबारत को इसको रद्द करने के लिए हाशमी मियां ने अगर ये गलत बोला है इसको रद्द करने के लिए तुम फतवा काजी सरिया पेश नहीं करो, कितने बड़े हरम खोर हो तुम। देखो आगे अवकाश है ना इमरान भाई, तुम कितने बड़े दज्जाल हो कादरी का रद्द करने के लिए फतवा काजी। मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो, रद्द करने के लिए तुम फतवा काजी सरिया पेश नहीं कर रहे हो। सुन लो मेरी बात सुनो पहले, मेरी सुनो ख्याल हो, आज की तारीख में खत्म हो जाएगी। मेरे नबी का वो कॉल मौजूद है ना कि आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे ऐसे हदीस का बयान करेंगे तो तुम्हारे बाप दादाओं ने ना सुनी होगी। मेरे बाप दादाओं ने ईमान पर खात्मा लिखा ही नहीं है अबू तालिब का, और तुम एक दो इबारत लेके घूम रहे हो। इस पर अल्लामा अल-कुसानी रहमतुल्लाह अलैह जो मुजद्दिद है दौर के, उन्होंने लिखा कि अगर जाहिल को तुम 100 दलीलें पेश करोगे, जाहिल के पास एक दलील होगी ना तो तुम्हारी 100 दलीलों को बदल करेगा। ये आईडिया सुन रहे हो आवाम जो सुनने वाले सुन रहे हो, मैंने गाली दिया इनकी यही औकात है। ये गालियों इमरान भाई नहीं, तुमने शुरू में मुझे गाली दिया लेकिन मैंने तुमको आराम को इसलिए बोला है, बड़ी अदब से जा रहा हूँ। एक मिनट रुको इमरान भाई, इसको रोको, गाली ब्लॉक नहीं करना चाहता। ये भागना नहीं चाहिए, मेरे से हवाला मांगा, मैंने तफसीर इब्न अब्बास पेश किया ना, दलील दे, मैंने तफसीर इब्न अब्बास पेश किया ना, मुसलमान के क्राइम है उन पर क्या हुक्म लगेगा, इमरान भाई पर हुक्म नहीं लगा रहा है। अरे ये सुन ही नहीं रहा है भाई, सुन तो लो, सुन तो लो, बोल इमरान भाई, इमरान भाई बड़ी अदब से इससे बात नहीं, इमरान भाई बड़ी अदब से मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये भागेगा, ये हरामखोर भागेगा, इतना बड़ा ये हरामखोर है। सुनो इसने हवाला मांगा, मैंने फौरन तुमको तफसीर इब्न अब्बास दिया कि नहीं दिया? अरे उसने भाई फोन काट के भाग गया वो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब किसने हवाला मुझसे मांगा, मैंने आपको तफसीर इब्न अब्बास पेश किया ना, मैंने जब इससे हवाला मांगा इसने कोई हवाला पेश नहीं किया। सुनिए ये सैयद अमीनुल कादरी का रद्द कर रहा है और रद्द करने के लिए फतवा ताजु शरिया पेश करता है कि फतवा ताजु शरिया ने इसी इबारत को पेश करने के ताल्लुक से ये लिखा है। तो जब फतवा ताजु शरिया तेरे लिए मोतबर है तो अगर हाशमी मियां ने मुसलमान बोला भी है तो तू हाशमी मियां का रद्द करने के लिए तूने फतवा ताजु शरिया क्यों नहीं पेश किया? हमने ये हरामखोर कभी बात नहीं करेगा, आवाम को गुमराह करेगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप देखें पूरी गुफ्तगू आपने सुनी, बेहतरीन तरीके से सुनी आपने। मैं शुरू से इससे मुतालबा करता रहा कि ईमान की दो कैटेगरी है, एक ईमान वो है कि जैसे आम जैसे गैर मुस्लिम तुमसे कहे कि अल्लाह एक है, ये उसका ईमान है, और अगर तुमसे वो ये कहे कि तुम्हारे मोहम्मद आखिरी नबी है तो ये भी उसका ईमान है, ठीक है, इस पर उसका ईमान है। अगर वो ये कहे कि दुनिया में मरने के बाद जिंदा होना, ये इस पर भी उसका ईमान है। अगर वो ये कहे जन्नत और दोजख भी है, इस पर भी उसका ईमान है। तो ऐसे ईमान पर उसकी तकफीर नहीं की जाएगी, ये आला हजरत ने लिखा, ठीक है। लेकिन अगर वो मुसलमान को मुसलमान ही ना समझे, काफिर क्या कहते हैं खारिज समझे, और वो ये कहे कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करने का, तो उसकी तकफीर की जाएगी। आपको समझ में आ रही है बात? आ रही है ना समझ में? तो ये मुराद है। अब ये कह रहा है कि ईमान, तो मैंने ये कहा कि अगर मैं तुझको 100 दलीलें पेश कर रहा हूँ, मैंने तुझको कुरान की आयत तो तफसीर इब्न अब्बास पेश कर दी, बुखारी पेश कर दी, मुस्लिम पेश कर दी, फिका के चारों इमाम के कॉल पेश कर दिए, अल्लामा अल-फसानी पेश कर दिया, तारीख बगदाद, तारीख दमिश्क और तारीख क्या कहते हैं दमिश्क के अंदर मैंने इमाम जाफर इमाम बाकर का कॉल पेश कर दिया, हजरत अली का कॉल पेश कर दिया, अब बचा क्या? अब तू एक इबारत पेश कर रहा है, दो इबारत पेश कर रहा, उसका मुझे हवाला भी नहीं दे रहा है। वो ऐसे ही बस झूठे झूठे इबारत पेश कर रहे हैं वो, और जिनका कोई समझे तो ये छुपा हुआ राजी है, समझे ये छुपा हुआ राजी है, आ जाएगा वो खुल के। और अब आपको समझ में आ गया होगा ये छुपा हुआ राजी है। पहले इसने कहा कि फिका के चारों इमाम से साबित करो, तो जब मैंने इसको ये चैलेंज किया कि मैं फिका के चारों इमाम से साबित कर दूंगा तो तू तौबा कर लेगा, तो ये देखिए वहां से भाग के आए। अब आवाम को तुम कोई नया पैगाम दे, भागा नहीं भागा वहां से, काट दिया उसने, अब आप काट दिया था। वो काटेगा, और शुरू में इसने मुझे खुद पहले गाली बकी थी, इसने शुरू में खुद गाली बकी थी मुझको, तो मैंने इसको इसकी बात को इग्नोर किया। लेकिन मैंने जो इसको हरामखोर बोला है तो इसकी करतूत में बोला है, हरामखोरी नहीं तो क्या? ये बताओ कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने धोबी का वाक्य बयान किया, तूने उनका रद्द करने के लिए, हाँ सुने, तूने उनका रद्द करने के लिए फतवा ताजु शरिया पेश कर दिया, ठीक है, अगर तेरी नजर में, हाँ अगर तेरी नजर में आदमी मियां ने अगर मुसलमान वैसे तो बोला नहीं है, अगर बोला भी है
तो तूने फटाफट ताजू शरिया से उनका रद्द क्यों नहीं किया? ये इतना बड़ा दज्जाल है जिससे अपना मतलब निकले बस उसे ले लो, ये वो लोग हैं। हाँ तो ये वो लोग हैं, और मेरी आपसे गुजारिश है लिल्ला इस हराम खोर से अपने ईमान को बचा के रखे। ये बहुत बड़ा दज्जाल हराम खोर है और ये कभी भी मौतबर हवाला पेश नहीं कर सकता, कभी भी मौतबर हवाला पेश नहीं कर सकता। मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ और मैं दलाइलों के मार लगा दूंगा। और सबसे बड़ी मेरे पास दलील है तफसीर इब्ने अब्बास, जिसमें आप देखो मैंने आपको भेजी है, पढ़ के सुनाओ। जमशेद भाई हेलो, मैंने आपको भेजी है पढ़ के सुनाओ। मैं जरा काम में जरा मसरूफ हूँ जमशेद भाई, और तुम जो है ना इस ऑडियो को डाल दोगे। चले मैं इस रिकॉर्डिंग के साथ लगा दूंगा, ठीक है? ठीक ठीक।